बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक और अवामी राय प्रोग्राम के साथ सरदार अमीन जितोई आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं फैसलाबाद का ये इलाका है मोहम्मदपुरा, जिसका बाज़ार है मेन बाज़ार ये कहलाता है। ये जना क्लिनिक से मुल्हिका इलाका है। ये NA 103 और PP 117 के कुछ इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ के कारोबार करने वाले और आवाम से जानेंगे कि आने वाले जनरल इलेक्शन में ये कौन सी सियासी पार्टी और कौन से उम्मीदवार का साथ देंगे। तो आइए चलते हैं। आप ठीक ठाक है जी? यहाँ पे वोट किसको दे रहे हैं 8 फरवरी को? आप इंशाल्लाह ताला अफजल शाहीन को हैं? अफजल शाहीन, अफजल शाहीन ये जमात इस्लामी के कैंडिडेट? जमात इस्लामी के। यहाँ पे अच्छा वोट बैंक है जमात इस्लामी का? हाँ, बेहतर है, इधर बेहतर है, बेहतर है। और MNA किसको देख रहे हैं? MNA जो ना वो अकरम अंसारी, अकरम अंसारी को आप MNA देख रहे हैं यहाँ पे, बेहतर समझते हैं। और जो MP है वो जमात इस्लामी के? जमात इस्लामी का, जमात इस्लामी। आपकी नज़र में बेहतर उम्मीदवार हैं वो? हाँ जी, बेहतर उम्मीदवार हैं। नून लीग तो बेहतर है, सबसे ज़्यादा नून लीग से बेहतर है। नून लीग जो है ना, इसमें इस इलाके में बहुत हिट है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। आपने वोट किसको दे रहे इस बार? हम इंशाल्लाह लबैक को वोट देंगे। तहरीक लबैक को देंगे? पक्के वोटर हैं आप उनके? पक्के वोटर हैं। यहाँ पे अच्छा वोट बैंक है उनका? इंशाल्लाह ताला, ये हमारी आखिर का वोट है जिसमें टिकट मिल जाना इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। वोट किसको दे रहे हैं इस बार आप? वोट देंगे बहरहाल उसको देंगे, या का नाबुदू भैया का नस्ताइम से जो शुरू करता है, आगाज करता है जो। यहाँ पे MNA MP कौन है आपका? यहाँ पे MNA MP अब इस बार तो पता नहीं अब कौन है ये, तो पता नहीं है आपको? हाँ, मेरे ख्याल से शेख खुरम साहब का एरिया आता है। अच्छा, आप उनको वोट देंगे शेख खुरम शहजाद को? नहीं जी, जो जिसके पास टिकट होगा उसको वोट देंगे, PTI का टिकट उसको वोट उसको दे। तहरीक लबैक को दे रहे हैं? पक्के वोटर हैं आप उनके? यहाँ पे तहरीक लबैक अच्छा वोट बैंक है? हाँ जी है, हाँ जी अच्छा वोट। कौन MNA MP कौन है उनका यहाँ पे? MPA तो है उसका, MNA अफजल शाहीन है, जो दूसरा है वो दनान खान है। अच्छा, आप समझते हैं कि TLP यहाँ पे अच्छा वोट बैंक रखती है, इंशाल्लाह जीत सकती है यहाँ से? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपके ख्याल में वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान को। इमरान खान को पक्के वोटर हैं आप उनके हैं? कौन MNA MP का पता है आपको यहाँ पे कौन है? यहाँ पे नहीं, हम अपना गांव में दे रहे हैं। गांव में वोट देंगे आप इमरान खान को? देंगे वोट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ को देंगे? बिल्कुल जी। यहाँ पे MNA MP कौन है आपका? अकरम अंसारी। अकरम अंसारी बेहतर उम्मीदवार हैं? हाँ जी, बहुत बेहतर उम्मीदवार हैं आप। किसको दे रहे इस बार आप? नून लीग को। नून लीग को पक्के वोटर हैं आप उनके? इंशाल्लाह। यहाँ पे MNA MP कौन है? ख्वाजा रिजवान। अच्छा, बेहतर उम्मीदवार हैं आपके ख्याल में? हाँ जी। और MNA किसको देख रहे हैं? हाजी अकरम अंसारी। अकरम अंसारी बेहतर। किसको दे रहे हैं यहाँ पे आप? तहरीक लबैक को सर। तहरीक लबैक को दे रहे हैं, पक्का वोट है? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे MNA MP कौन है आपके? अभी तो क्या उसका नाम है, खड़े हुए हैं तहरीक लबैक की तरफ से, मस्जिद में कॉन्फ्रेंस हो रही है अभी। अच्छा, अभी आपको पता नहीं है, लेकिन तहरीक लबैक को वोट देंगे। आपने वोट किसको देना है? तहरीक लबैक को। तहरीक लबैक को देंगे वोट इंशाल्लाह। आपको भी पता नहीं कैंडिडेट कौन है यहाँ पे? नहीं, अभी नहीं, कैंडिडेट का नहीं पता, लेकिन वोट आपने तहरीक लबैक। अस्सलाम वालेकुम जी। वोट किसको दे रहे हैं इस बार आप? वोट इमरान खान। इमरान खान को पक्का वोट है आपका? पक्का वोट। यहाँ पे MNA MP कौन है आपका? डॉक्टर निसार है। डॉक्टर निसार कल के से आप? वोट किसको दे रहे हैं इस बार आप? यहाँ वोट नून लीग का। नून लीग का पक्का वोट है? पक्का वोट। यहाँ पे MNA MP कौन है आपका? MPA ख्वाजा रिजवान और अकरम अंसारी, उनको वोट देंगे आप? इंशाल्लाह ख्वाजा रिजवान को, उनको वोट देंगे आप। क्या हाल जी, वोट किसको देना इस बार आपने यहाँ पे? किसी ने भी नहीं, किसी को भी नहीं देना? क्या वजह क्या है? वैसे तंग है सबसे, हमारे काम ही नहीं होते, फिर फायदा की वोट देंगे? कोई काम नहीं आता, कोई काम भी नहीं आता, सबसे तंग है आप? हाँ जी, हाँ जी, इसलिए वोट नहीं डालेंगे आप? फारग नहीं है, हैं? हम फारग नहीं, अपनी मसरूफियात में है, अपनी मसरूफियात में है, इसलिए वोट नहीं देंगे आप? पीपल पार्टी। पीपल्स पार्टी को देंगे? पक्के वोटर हैं आप उनके? बेशक। यहाँ पे MNA MP कौन है आपका? यहाँ ये बदर स्वीट वाले जो हैं। अच्छा, अच्छे उम्मीदवार हैं। हाँ, आप समझते हैं कि वो यहाँ से जीत सकते हैं? यार तनिया हारन जमीन मानने तो फिर है ना। आपने पीपल्स पार्टी को देना? आपने वोट नहीं जी, हमारा वोट खान के साथ है जी, PTI को। PTI के साथ है? PTI के साथ। यहाँ पे MNA MP कौन है? MNA लास्ट तो खुरम शुदा था, MNA और MPA था ख्याल कास्ट्रो। अभी तो कोई नाम नहीं शो हो रहा वैसे PTI का, लेकिन वोट उनका ही। आपने वोट PTI को देना है? PTI को देना है। आपने बाद मामा भांजे हैं जी। अच्छा, आपने भी PTI को देना है? बस पर देंगे। क्या वोट है आपका? इंशाल्लाह अल्लाह खैर का टाइम लाए। वोट किसको देना है इस बार आपने यहाँ पे? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी को देना है। यहाँ पे कौन उम्मीदवार है? अफजल शाहीन। अफजल शाहीन, हाँ जी, उनको वोट देंगे? हाँ जी। बेहतर उम्मीदवार है आपके ख्याल में? बहुत जबरदस्त है। अच्छा, इस हल्के में
इधर नाजम रहे हैं, बहुत काम कराए हैं उसने, उसके अलावा किसी ने नहीं काम कराया। अच्छा, आपके इस इलाके में जो बेहतर उम्मीदवार हैं, जी हमने उसको देना, उन्हीं को ही वोट देंगे। आपने वोट किसको देना? इमरान खान हैं, इमरान खान, इमरान खान को देंगे वोट। इमरान खान का यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है यहाँ पे? आई डोंट नो, अभी नहीं पता, पता नहीं, कोई पता नहीं, बदल रहे हैं फिलहाल, बदल रहे हैं, अभी पता नहीं चल रहा किसको दे रहे हैं, किसको देंगे, लेकिन आपने इमरान खान, इमरान खान को ही देना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी, वोट किसको दे रहे हैं इस बार? नवाज शरीफ, नवाज शरीफ को दे, पक्के वोट रहे हैं आप उनके? मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग नून के। यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है? पता नहीं, आपको पता नहीं है, लेकिन वोट आपने नून लीग को देना, नून लीग, नून लीग को देना, थैंक यू, इमरान खान, इमरान खान को देना। यहाँ पे कौन है एमएनए एमपी कौन है? एमएनए एक ये है असरार अहमद मुन्ने खान, नून लीग का, और पीटीआई का अहमद, क्या नाम है, आपको पता नहीं है, लेकिन आपने वोट इंशाल्लाह इमरान खान, इमरान खान को देना है, आपको पता नहीं है इस बार? यहाँ पे पीटीआई, इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है? यहाँ पर है जो एमपी है, मेरा ख्याल है ये मियां जहा सरफराज का बेटा है, अली सरफराज। अच्छा, और एमएनए की सीट पे भी मुझे नहीं पता कौन सा है। एमएनए की सीट पे अली सरफराज है, एमएनए की सीट पे, हाँ, हाँ। तो एमपी का नहीं पता आपको? नहीं, अभी नहीं पता, अभी नहीं पता, लेकिन वोट आपने पीटीआई को दे रहे हैं इस बार? यहाँ पे शेर को दे रहे हैं, शेर को दे रहे हैं। यहाँ पे कौन है एमएनए एमपी कौन है? ख्वाजा रिजवान। अच्छा, बेहतर उम्मीदवार हैं? हाँ जी, शुक्र आपके ख्याल में। हाँ जी, शेर, शेर को वोट ही देते हैं, शेर को ही आप? अच्छा, आप शेर हैं, शेर को वोट देते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब, ठीक ठाक है? वोट किसको दे रहे हैं इस बार आपने? सर, वोट जमीर का। जमीर का, किस तरफ आपका जमीर? इमरान खान को वोट, पक्के वोट रहे हैं आप उनके? यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है? सर मैं नहीं पता, सर बल्लेना करता, बल्ले से कर, बल्ला तो है ही नहीं, सफा पीटीआई का जो भी उम्मीदवार होगा आप उसको वोट देंगे। वोट किसको दे रहे हैं इस बार? सर वोट हम दे रहे हैं नून लीग को। नून लीग को दे रहे हैं, इंशाल्लाह। पक्के वोटर हैं आप? पक्के वोटर हैं। यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है आपका? सर हमें इधर तो, इधर का तो पता नहीं है, जिधर हम रहते हैं उधर काफी सारे ये ओ शेख जाज भी है और दूसरे भी हैं। अच्छा, शेख जाज को तो ठीक है, लेकिन आप वोटर नून लीग के हैं। नून लीग, आपने वोट किसको देना जी? मैं तो न्यूट्रल हूं, किसी को भी नहीं दूंगा। किसी को भी नहीं देंगे, क्या वजह? क्या है वजह? यही है, जिसको भी दें वो आगे करप्शन ही करता है। अच्छा, मुल्क में कहना है कि ट्रस्ट नहीं है निजाम पे आपका? ट्रस्ट ही नहीं है निजाम पे, मैं यही कहना चाहूंगा। आप वोट नहीं डालेंगे? आपने सर वोट किसको देना जी? जी नून लीग को देंगे, इंशाल्लाह ये मुल्क को अच्छा बना देंगे। नून लीग को देंगे, आपके ख्याल में नून लीग बेहतर डिलीवर कर सकती है? इंशाल्लाह, पहले भी अच्छा था यार, जब 150 रुपए किलो में घी इस्तेमाल करते थे, आज 450-450 रुपए में हो गया। तो यहाँ पे एमएनए एमपी कौन बेहतर है आपके ख्याल में? यहाँ पहले जो हुआ था वो पीटीआई का था, खुर्रम शहजाद, और जो सुबाई का था वो था, आपको पता नहीं है, लेकिन ये कि आप वोट नून लीग को देंगे। हाँ, अभी शकील था सुबाई। अभी 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 कौन है आपके? हाँ जी, अभी कौन है यहाँ पे, आपको पता है कौन है एमएनए एमपी है यहाँ पे? कोई भी हो, जिसको शेयर होगा आप उसको वोट देंगे, काफी शेयर का होना ही काफी। देखे भाई जान, जो भी कैंडिडेट अच्छा होगा ना, लीडर जो भी अच्छा होगा, जिन्होंने काम अच्छे किए हैं, आप देखे ना रजीव किस तरह, कितना उसको इमरान खान ने दिया है, नवाज शरीफ को उसने क्या कि इनके साथ, हालांकि जेल में जाकर वो उनके मुकदमे होते हैं, उनको बाहर नहीं आने की इजाजत है, हालांकि हर मुसलमान। आपने वोट किसको देना है? किसको वोट देना है? अभी तो कोई इरादा नहीं है। कोई इरादा नहीं? आपको सोचा नहीं आप इस बार? नहीं सोचा, मुतमिन नहीं आप किसी से? नहीं मुतमिन। इमरान खान को? इमरान खान को पक्के वोट रहे आप उनके? यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है आपका? एमएनए एमपी है तो ये अफजाल शहीन साहब हैं। अफजाल शहीन वो किस पार्टी के? वो हैं इधर तरीके लबैक के हैं। तरीके लबैक के हैं, उनको वोट देंगे आप? हम भी अभी तो वही कह रहे हैं, इंशाल्लाह उन्हें ही देंगे। उन्हें देंगे, और एमएनए किसको देख रहे हैं? एमएनए तो अभी सोचा नहीं आपने? अभी सोचा नहीं है, लेकिन आप जो एमपी का वोट है तरीके लबैक को देंगे। आपने वोट किसको देना जी? शेर को जी। शेर को देंगे। यहाँ पे कौन है एमएनए एमपी कौन है आपका? बेसिकल मैं हूँ लाल मिल से। अच्छा, लाल मिल दूसरे हल्के से, लेकिन आप वोट नून लीग को देंगे आप? हाँ जी, पीटीआई, पीटीआई को देंगे। पक्के वोट रहे आप उनके? पक्के। यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है आपका? यहाँ पे आ रहा है राणा अब्दुल रजाक और मियाली सरफराज, और इसके अलावा एमपी है मेरा ख्याल है मियाँ ख्याल कासरू। अच्छा, ये अच्छा पैनल है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह पीटीआई ज्यादा जोर में है। ज्यादा जोर में यहाँ से जीत सकती है इस हल्के से? जीत जाएगी, आपको जरूरत ही नहीं है इंशाल्लाह। सारे लोग जो है, कुछ लोग नहीं कह रहे, लेकिन उनको अंदर से पता है कि हमने डाली पीटीआई को ही है। ठीक है, क्योंकि मुल्क के जो हालात देख लिए हैं लोगों ने, आजमा भी लिया है, 18 माह इन्होंने हुकूमत भी कर ली है, लेकिन उसके बाद भी जो लोगों का फैसला है ना, वो
इमरान खान सोचा हुआ है, सोचा हुआ है। पीटीए के तहरीक लबैक पाकिस्तान, तहरीक लबैक को दे रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ पे एम एन एम पी कौन है? यहाँ पे अलामा गुलाम रसूल NA 103 से है और ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब PP 117 से है। अच्छा, बेहतर उम्मीदवार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दीनदार लोग हैं, दीनदार लोग हैं। आप समझते हैं कि वो कामयाब हो जाएंगे यहाँ से? इंशाल्लाह कोशिश तो भरपूर है, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह माहौल भी काफ़ी अच्छा है, उम्मीद है वो जीतेंगे। जीतेंगे TLP आपके ख्याल में जीतेंगे इंशाल्लाह? वोट किसको देंगे? वोट तो अभी हमने देखा है कि जो जो भी काउंसलर आ रहे हैं ना, जो कि इस वक्त तमाम के तमाम जो है अब तो एक दूसरे खाने वाले हैं, लिहाजा कोई भी आवाम का नहीं सोच रहा। जो आवाम के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, अच्छा होगा, वोट हम उसे सिलेक्ट करके देंगे। कोई अपने सोचा नहीं पार्टी के बारे में? पार्टी तो नवाज शरीफ इस इलाके का है ही है, लेकिन अच्छा कारकर्दगी होगी तो इंशाल्लाह वोट फिर दोबारा उसी को देंगे हम लोग। कौन MN MP कौन है यहाँ पे बेहतर? ख्वाजा रिज़वान है, बेहतर उम्मीदवार है, बेहतर उम्मीदवार है। उसका उसका साथ जो है अकरम अंसारी है, MNA वो है, बेहतर पैनल है, पहले बेहतर चल रहे थे, लेकिन आने वाले वक्त में जबकि जो PTI आई है उस वक्त हालात खराब हुए, महंगाई ज्यादा हुई है, लेकिन महंगाई कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन उम्मीद है कि ये महंगाई कंट्रोल में करेंगे, कंट्रोल करेंगे। आपके ख्याल में आप नून लीग को वोट देंगे? नून लीग को वोट देंगे। क्या हाल है जी? समझिए, वोट किसे देंगे जी आप? वोट PTI को। PTI को देंगे? पक्के वोटर हैं आप उनके? नहीं, पक्के नहीं वोटर, बस फौज को नहीं देना, बगैर जिसको मर्जी दे देंगे। अच्छा, इमरान खान को देंगे आप? यहाँ पे MNA MP कौन है आपका? जो भी हुआ खंबा हुआ खंबे को दे देंगे। अच्छा, जो भी इमरान खान का टिकट जिसके पास होगा, जिसके पास खंबे के पास हुआ उसे दे देंगे। उसे वोट किसको दे रहे हैं इस बार आप? वोट इंशाल्लाह जहां इंसाफ का बोलबाला होएगा वहां वोट पड़ेगा। हम चाहते हैं पाकिस्तान में इंसान का बोलबाला हो, इंशाल्लाह वोट इमरान खान को देंगे। इमरान खान को सही, हाँ सही इंसाफ मिलेगा, पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। यहां पे MNA MP कौन है PTI की जानिब से आपके ख्याल? जो भी PTI में MPA MNA हुआ, कोई भी उसका निशान हुआ, हम उसको वोट देंगे। जो भी PTI की तरफ से होगा, जो भी PTI की तरफ से उसको वोट देंगे इंशाल्लाह, उसको आप उसी को वोट इंशाल्लाह PTI को देंगे। यहाँ पे आप नून लीग को? नून लीग को पक्के वोट रहे आप इंशाल्लाह। यहाँ पे MNA MP कौन है आपका? MA में हैगा अब एक ही नाम है। अच्छा, नाम आपको याद नहीं है, लेकिन आपने नून लीग को वोट दिया? नून लीग को। हाँ जी, नून लीग, नून लीग को दे रहे हैं, पक्के वोट रहे आप उनके। यहाँ पे MNA MP कौन है आपका? रिज़वान। बेहतर उम्मीदवार है? हाँ जी, बेहतर उम्मीदवार है आपके ख्याल में? है नवाज शरीफ का वोट है साढ़े वालों, जड़ा मर्जी जो मर्जी आ जाए नून लीग को वोट देंगे। वोट इमरान खान, इमरान खान को पक्का वोट है आपका इंशाल्लाह। यहाँ पे MNA MP कौन है आपका? MNA ख्याल कासरो साहब। अच्छा, MPA एक और आदमी खड़ा हुआ। अच्छा, वोट सही मैंने जी इमरान खान दे, इमरान खान जिसका टिकट होगा इमरान खान का उसी को देंगे, इस वजह तो वोट देना, वोट उसको देंगे। आपने वोट किसको देना जी? इमरान खान को। इमरान खान को पक्के वोट रहे आप उनके? हाँ जी। यहाँ पे MNA MP कौन है आपका? मैं इधर से नहीं हूँ, इधर से नहीं है, लेकिन आप वोट PTI को देंगे। वोट किसको दे रहे हैं इस बार आप? वोट अभी फिलहाल तो इमरान खान को ही देना है। इमरान खान को देना है, पक्के वोट है आपके। यहाँ पे MNA MP कौन है आपका? मियां अली सरफराज। मियां अली सरफराज बेहतर उम्मीदवार है इंशाल्लाह। और MPA कौन है आपका? बेहतर उम्मीदवार हैं दोनों, आपके ख्याल में यहाँ से जीत सकते हैं इंशाल्लाह? हैं इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है आपके ख्याल में जीतेंगे इस बार। आपने यहाँ पे वोट इंशाल्लाह ताला जिस हल्का है, जो ये वाला हल्का है नून लीग का हल्का है। अच्छा, उसी को वोट करेंगे ना? अच्छा इंशाल्लाह नून लीग को देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे MNA MP कौन है आपका? MNA अंसारी साहब है और रिज़वान साहब है, बेहतर उम्मीदवार हैं इंशाल्लाह। आपके ख्याल में बेहतर उम्मीद? बेहतर इसको कहेंगे दे दें आप बताएं ना जी, हम तो आपके पास पूछते हैं। ये लगा हुआ, ये देखें पीछे लगा के गए थे कल परसों। अच्छा, ये जमात इस्लामी को है? जमात इस्लामी को वोट देंगे आप? समझते हैं कि जमात इस्लामी का अच्छा वोट बैंक है यहाँ पर? नहीं, हम तो इंशाल्लाह PTI को देंगे। PTI को देंगे आप? PTI को देंगे जी, पक्के वोट रहे आप PTI के? वोट किसको दे रहे हैं इस बार यहाँ पे आप? वोट मैं किसी ने भी नहीं दे रहा। क्या वजह क्या है? वैसे ही ना तो तमाद ही उठ गया है, तमाद उठ गया इनसे, किसी ने भी नहीं देना है वोट, ऐसे के वोट जाया ही करना। अच्छा, इतने तंग हैं आप इनसे? हाँ जी, कोई महंगाई ज्यादा, इतनी ज्यादा वाम, इतनी के तंग ना इस टाइम के बाजार का लो काम इतना स्लो के साथ होवे, कारोबारी हालात से तंग हैं आप? हाँ जी, कोई हालात नहीं है कारोबार दे, सुबह दे आई दा शाम नु बाय दे गुजारा मजारा ही है। यहां पे उम्मीदवार कौन बेहतर है आपको लगता है इन सारे उम्मीदवार? मैं कहना कोई भी नहीं है उम्मीदवार, सारे एक ही है, सब एक जैसे, सब एक जैसे ही है, नवाज शरीफ भी सारे एक जैसे, सारी एक जमाते एक जैसे, सारी जमाते। आप किसी से मुतमिन नहीं? आप किसी को भी नहीं देना? क्या वजह? किसी के पे एतबार ही कोई नहीं। अच्छा, कोई करता
अच्छा ऐसे बातें ही करते हैं बस। अच्छा यही बात है, मुतमिन नहीं है किसी से? नहीं, किसी पे भी नहीं। कोई ऐसा चेहरा जो आप समझते हैं कि इस इलाके की बेहतरी के लिए आपकी जो है वो पीटीआई इमरान खान? इमरान खान है बस, बेहतर है वो, बेहतर है। अच्छा उनके जो उम्मीदवार है यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं इस एरिया में? ये तो अल्लाह ताला चाहिए उनको कर दे। मैं अपनी आप पीटीआई के साथ जाएंगे? बता रहा हूँ आप पीटीआई के साथ जाएंगे? मैं वैसे आपको न्यूट्रल होकर बताया हूँ, मैंने किसी को वोट नहीं देना। किसी को नहीं देना? वोट किसको दे रहे हैं इस बार आप? पीटीआई को, इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है आपका? अली सरफराज एमएनए, अब्दुल रजाक राणा अब्दुल रजाक एमपी। एमपी बेहतर पैनल है आप इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। आपके ख्याल में यहाँ से जीत सकते हैं ये लोग इंशाल्लाह? जी जीतने देंगे तो जीतेंगे, जीतने देंगे तो जीतेंगे, जीतेंगे आपके ख्याल में इंशाल्लाह। अच्छा वोट बैंक है आपके ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान को। इमरान खान को बिल्कुल पक्के वोटर हैं? पक्के वोटर हैं जी। यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है आपका? हमारा वो अब्दुर्रज़ाक है और अली सरफराज है जी। दोनों अच्छे उम्मीदवार हैं? अच्छे उम्मीदवार। आप समझते हैं कि ये यहाँ से सीट निकाल सकते हैं? जीतने देंगे तो जीतेंगे जी, ये जीतने वाले काम नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन आपने वोट पीटीआई को देना है? वोट इमरान खान को। इमरान खान को पक्के वोट रहे आप उनके? जी। यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है आपका? हमारा एमपीए वो है, क्या नाम है, ख्वाजा रिजवान। ख्वाजा रिजवान आप, वो तो नून लीग का है। आपने पीटीए को वोट देना? पीटीआई का नहीं पता, ये हाई साहब को पता है। अच्छा आपको नहीं पता, लेकिन आपने वोट नहीं बना वैसे, वोट इमरान खान, वोट इमरान, वोट शेर को। शेर को पक्के वोट है आपके? इंशाल्लाह पूरी फैमिली का पक्का वोट है शेर का ही, शेर का। यहाँ पे एमएनए और एमपी कौन है आपका? हमारा एमएनए ख्वाजा रिजवान लगता है, जिना कलोनी का मेरा, पीपी 117 ठीक है, और अकरम अंसारी। बेहतर उम्मीदवार हैं आपके ख्याल? इंशाल्लाह हैं आपके ख्याल में बेहतर। आपने वोट किसको? नून लीग को सर। नून लीग को पक्के वोट है आपके? इंशाल्लाह। यहाँ पे एमएनए और एमपी कौन है आपका? हमारा एमएनए है जी अकरम अंसारी और एमपी है जी ख्वाजा रिजवान। बेहतर उम्मीदवार इंशाल्लाह। आपके ख्याल में यहाँ से ये लोग जीत सकते हैं? इंशाल्लाह क्यों नहीं जीतेंगे, लाजमी जीतेंगे। चार साल में किया क्या इन्होंने पीटीआई वालों ने, सबको पता है, सबको पता है। आपने वोट किसको देना? नून लीग को। नून लीग को आपने पक्के वोट रहे हो जी? नून लीग के शुरू से इमरान खान को इंशाल्लाह पक्के वोट है आपके? मैं कहता हूं लखवा ले इधर। अच्छा हमने हमारा दिल का टोटा है ये देखें, हमने तस्वीर भी ले ली। अच्छा वोट किसको दे रहे हैं आप? पीटीआई। पीटीआई को? यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है आपका? ये नहीं पता। पता नहीं है लेकिन वोट पीटीआई को देंगे? हाँ नून लीग बगैर कौम। अच्छा नून लीग से आप मोहब्बत नहीं करते? अस्सलाम वालेकुम जी, वोट किसको दे रहे हैं इस बार आप? पीटीआई। पीटीआई को दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है आपका? खान जिंदाबाद। हमारा एमएनए है जी मियां साहब हैं और दोनों हैं मुझे अली सरफराज, अली सरफराज और दूसरा है वो ए खड़ा है राणा अब्दुल रजाक, राणा अब्दुल रजाक सिक्का कास्त्रो, कास्त्रो भी खड़ा है, तो जो भी खड़ा है लेकिन पीटीआई है, वोट पीटीआई का। वोट आप समझते हैं कि ये पैनल जो है यहाँ पे मजबूत है इस एरिया में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। अगर धांधली ना हुई तो, धांधली ना हुई तो आप करें इस बार यहाँ पे आप इंशाल्लाह शुरू से नवाज शरीफ, इस बार भी नवाज शरीफ, नवाज शरीफ को देंगे वोट। यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है आपका? अकरम अंसारी। बेहतर उम्मीदवार है। और एमपी कौन है यहाँ पे? एम पी ए का नहीं पता, अकरम अंसारी का पता है आपको सिर्फ। और आप वोट नून लीग को देंगे? किसको देना इस बार आपने यहाँ पे? इमरान खान को। इमरान खान को पक्के वोट है आपके? यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है आपका? अजी अकरम अंसारी। अच्छा इमरान खान का एमपी एमएनए अकरम अंसारी है? आपने आपको मैंने पूछा है कि आपका एमएनए एमपी कौन है आपका पीटीआई की जानब से? पीटीआई आपको पता नहीं है लेकिन आपने वोट पीटीआई को देना है, ठीक है थैंक यू। आपने वोट किसको दे रहे हैं इधर? इसको बोलने के दे देंगे। अच्छा आपने सोचा नहीं है, आपने किसको दे रहे हैं? हम भी इमरान खान को दे देंगे। इमरान खान को देंगे? आपका एमएनए एमपी का पता है आपको यहाँ पे? आपके हल्के इधर शो नहीं हुए, शो नहीं हुए, आपने वोट पीटीआई को देना है? असी वोट देना जी नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को देंगे वोट। यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है आपका? यहाँ पे एमएनए एमपी है जो है ना वो मेरे ख्याल अकरम अंसारी है। अकरम अंसारी है आपके? और एमपी कौन है? MPA को अभी मेरे सामने आपको पता नहीं है, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपने वोट नून लीग को देना है। नून लीग आप समझते हैं कि नून लीग यहां से आसानी से जीत सकती है? इंशाल्लाह ये इलाका ही उसका है, इलाका नून लीग है आपके ख्याल में। थैंक यू। वोट हम इमरान खान को दे रहे हैं, हम उसके पक्के सपोर्टर हैं। अच्छा जो भी हो जाए इंशाल्लाह हम वोट इमरान खान को देंगे, इमरान खान को देंगे। यहां पे एमएनए एमपी कौन है आपका? एमएनए एक ख्वाजा रिजवान नून लीग की तरफ से है, ठीक है, और इमरान खान की तरफ से कौन है? इमरान खान की तरफ से पता नहीं अभी, आपको पता नहीं है, लेकिन वोट आप इमरान खान, इमरान खान को देंगे इंशाल्लाह। वोट किसको दे रहे हैं इस पर यहाँ पे आप? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग नून को दे रहे हैं? नून को दे रहे हैं। यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है आपका? अपना ख्वाजा अरजवान अकरम अंसारी। ये बेहतर पैनल है आपके इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बेहतर काम होगा, बेहतर पैनल है। और यहाँ से जीत सकता है इंशाल्लाह? जीतेगा आपके ख्याल में? जीतेगा इंशाल्लाह। इस बार आप सोचा नहीं? सोचा नहीं आपने? किसी को भी नहीं सोचा? कोई पार्टी नहीं आपने सोची अभी किसी का? यहाँ पे बेहतर उम्मीदवार कौन सा लग रहा है इस एरिया में आपको?
बेहतर उम्मीदवार केड़ा है? अच्छा आपको नहीं पता जी, आप बताइए जी। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपको, सोचते नहीं इस बारे में आप? वोट सिराजुल हक पार्टी। जमात इस्लामी को दे रहे हैं? अच्छा, वोट बैंक है जमात इस्लामी का यहाँ पे, आपके ख्याल में यहाँ से उनके उम्मीदवार जीत सकते हैं, बेहतर पोजीशन में है? अच्छा आप बड़े नहीं, आप छोटे हैं, आपने नहीं सोचा इस बार? नहीं, गांव के पार्टी बेस वोट चलते हैं। अच्छा पार्टी बेस वोट होता है आपका, आपने सोचा नहीं इस बार? किसको दे रहे हैं इस बार आप वोट? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं देना? देना ही नहीं। क्या वजह क्या है? हालात आपके सामने है, किराए का मकान है, दुकान भी किराए की है, बच्चे हैं, स्कूल पढ़ते हैं, महंगाई इतनी ज्यादा है। क्या किया क्या है इन्होंने? जोन सी हुकूमत आई है, बता दें कोई काम किया हो गरीब के लिए? क्या किया इन्होंने गरीब के लिए? कुछ नहीं किया इन्होंने, सब अपना पेट भरते हैं चले जाते हैं, मार दें इको और बम चला दें फिर मारा यही है। जो भी आए अच्छा बंदा आए। अच्छा, नेक, आपके ख्याल में अल्लाह ताला आया सबके लिए? आपके ख्याल में इस एरिया के लिए कौन अच्छा बंदा नुमाइंदा, आपके एमएनए एमपी कौन है सब में से? आप अभी कुछ पता ही नहीं है, क्या बताएं आपको? कोई पता नहीं आपको, बाद में पता चलता है, अभी तो सारे आ रहे हैं, बाद में पता चलेगा ना, बाद में पता चलेगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। आपने इसलिए सोचा भी नहीं है वोट किसको डालना है? सोचा ही नहीं है, सोचा ही नहीं। सर वोट इंशाल्लाह पीटीआई का। पीटीआई को देंगे? सिर्फ पीटीआई का। यहाँ पे एमएनए कौन है और एमपी कौन है आपका? सर मेरा, मैं इधर काम करता हूँ, मेरी रहाइश उधर रजाबाद है, उधर ख्याल कासरू साहब खड़े हैं, तो इंशाल्लाह हम उनको देंगे। अल्लाह के कौन से उम्मीदवार है वो? जी सर बिल्कुल इंशाल्लाह, उन्होंने बहुत काम करवाए उधर के। अच्छा हाँ, और हम इंशाल्लाह उनको ख्याल कासरू साहब को देंगे। ख्याल कासरू को आप वोट देंगे इंशाल्लाह? पीटीआई को। यहाँ पे एमएलए एमपी कौन है आपका? हमारा इधर ख्याल कासरू। ख्याल कासरू, और उसके अलावा? उसके साथ अली सरफराज। अली सरफराज, बेहतर पैनल है आपके ख्याल में? हाँ जी बेहतर, बेहतर पैनल आपके ख्याल में पीटीआई यहाँ से जीत सकती है? आपने वोट किसको देना है? पीटीआई को देंगे जी। जी पक्का वोट है आपका? जी जी। और यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है आपका? उसका मुझे नहीं, उसका नहीं पता। आपने वोट पीटीआई को देना? वोट हम वोट दे रहे हैं पीटीआई को। पीटीआई को दे रहे हैं? पक्के वोट है आपके? पक्के। यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है आपका? एमपी यहाँ था ए कुरम शहजाद था। कुरम शहजाद था, आप पीटीआई को वोट देंगे? पीटीआई को। पीटीआई को देंगे। वोट किसको दे रहे हैं इस बार? सर आजकल चूंकि हमें आइडिया नहीं है कि कौन अच्छा है, क्योंकि आज आपको पता है जो महंगाई के हालात जा रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आया हम किसको दिया। अब तो ज्यादा लोग कहते हैं हमने वोट देना ही नहीं है किसी को, क्योंकि वहाँ तो इस कदर आपको पता है ना, वो बजदल हो गई सबसे, कोई भी भरोसे का बंदा नहीं है। अगर नू लीग देख लें तो खानदानी सियासत चल रही है, अगर पीटीआई देख लें तो वो फिर कह रहे। आपने सोचा नहीं आपने किसको वोट डाला है? क्योंकि पहले अब जितना भी होश संभाला है तो उसके खिलाफ से पीटीआई को हम देंगे, क्योंकि पीटीआई को वोट देंगे। खानदानी सियासत को खत्म करना चाहिए। यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है आपकी नजर, बेहतर उम्मीदवार कौन है यहाँ पे? काफी सारे हैं, अब मैं अच्छा जो भी पीटीआई की तरफ से आएगा उसको वोट देंगे आप? वोट देखेंगे जब कोई आएगा तो उससे देंगे। अभी सोचा नहीं आपने भी? अभी सोचा नहीं आपने, ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आपने वोट किसको देना जी? शेर को। शेर को, पक्के वोट है आपके? यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है आपका? अपना युजाल सिंह है या बिल्ला? अच्छा आपको पता नहीं है, लेकिन आपने वोट नून लीग को देना है? हाँ जी नून लीग को देना। किसको दे रहे हैं जिस पर? बाबे नवाज शरीफ नु सर। नवाज शरीफ को दे रहे हैं? शहजादा आदमी है। पक्की गल है सर, नवाज वोट नवाज शरीफ दा। यहां पे एमएनए एमपी कौन है आपका? इधर एमपी अबे खले खलोने खलोते है सर। अच्छा आपको पता नहीं उनके नामों का? ए अकरम अंसारी है ते दूसरा है वो ख्वाजा रिजवान। ख्वाजा रिजवान को देंगे आज, बेहतर है सर। आपके ख्याल में ये पैनल जीत सकता है यहां से? इंशाल्लाह जीत सकता है। आप यहां पे वोट नून लीग का है? नून लीग का, नून लीग का इंशाल्लाह। वोट है आपका? पक्का वोट है नून लीग। यहां पे एमएनए एमपी कौन है आपका? ये यहां पे, यहां पे वो है फैजी अकरम अंसारी। नून लीग को वोट देंगे? हां जी अकरम अंसारी और वो है ख्वाजा रिजवान। आप समझते हैं वो बेहतर उम्मीदवार है? हां बेहतर है, बेहतर है। वोट किसको दे रहे हैं जी आप? तरीके इंसाफ को। तरीके इंसाफ को देंगे यहां पे? तरीके इंसाफ का यहां पे एमएनए एमपी कौन है? ख्याल कासरू। अच्छा और एमएनए कौन है यहां पे आपको पता है उसके नामों का? नहीं उनके नाम का अली सरफराज। अच्छा आपसे भी पूछ लेते हैं जी, आपने वोट किसको दे रहे हैं? मैं इमरान खान को। इमरान खान को देंगे? पक्के वोट है आपके? पक्के वोट। यहां पे एमएनए एमपी कौन है आपका? एमएनए जो है वो ख्याल कासरू है, एमपी है अली सरफराज। अच्छा वो आपने डबल कर दिया, अली सरफराज एमएनए। शुरू से मुझे इमरान खान से प्यार है, इमरान खान से बहुत। आप समझते हैं कि ये पैनल यहां से जीत सकता है? इंशाल्लाह जरूर जीत सकता है। किसको दे रहे हैं इस बार आप वोट? या का नाबद हो या का नस्ता है, इमरान खान को देंगे? पक्के वोट है आपके? यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है आपका? ख्याल अहमद कास्त्रो मेरे ख्याल से। अच्छा बेहतर उम्मीदवार है?
जी बेटर है। और एमएनए कौन है आपका? अली सरफराज है। अली सरफराज हैं। आपके ख्याल में ये पैनल मजबूत है यहाँ पे? जी भाई, पैनल ये आपके ख्याल में यहाँ से जीत सकता है? जी उम्मीद है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। उम्मीद है, आप पीटीए को वोट देंगे? वोट जिसके नसीब होगा उसको चले जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, कौन है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से तो क्या नाम है, पीटीए ही है। पीटीए बेहतर है इंशाल्लाह। यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है उनका? इस चीज़ का मुझे नहीं पता, मैं इधर अभी न्यू आया। वोट पीटीए को जाएगा आपका? वोट इंशाल्लाह पे इंशाल्लाह इमरान खान को। इमरान खान को देंगे? पक्के वोट हैं आपके इंशाल्लाह। कौन एमएनए एमपी कौन है आपका यहाँ पे? अली सरफराज है मेरा ख्याल। अली सरफराज है। और एमपी कौन है आपका? एमपी का तो नहीं मेरा ख्याल पता लगा, सरफराज। अली सरफराज बेहतर उम्मीदवार है आपके ख्याल में इंशाल्लाह। इमरान खान जैसा लीडर पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। और अली सरफराज यहाँ से जीत सकते हैं आपके ख्याल में? इंशाल्लाह जीतेगा। जीतेंगे आपके ख्याल में? आपने वोट किसको देना जी? बिल्कुल इमरान खान को भाई। इमरान खान को देंगे? पक्के वोट हैं आपके भी इंशाल्लाह। आपकी यहाँ पे लीडर है इंशाल्लाह। एमएनए और एमपी कौन है आपका? ये अली सरफराज साहब। अली सरफराज बेहतर उम्मीदवार है आपके ख्याल में हैं? यहाँ से जीत सकते हैं इंशाल्लाह? जीत सकते हैं। आपने वोट किसको देना जी? मुस्लिम लीग नून। नून लीग को देंगे? पक्के वोट हैं आपके इंशाल्लाह। यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है आपका? इधर नहीं, मैं एसोसिएट हूं तो किसी और इलाके से हैं, लेकिन वोट आप नून लीग को देंगे? वोट इंशाल्लाह इमरान खान का है। इमरान खान का पक्का वोट है आपका? पक्का। यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है आपका? मुझे तो ऐसे नहीं पता, पता नहीं है, लेकिन जिसके पास टिकट होगा पीटीआई का आप उसी को वोट? पीटीआई को देंगे इस बार आप? पीटीआई को देंगे। और एमएनए एमपी का पता है आपको यहाँ पे कौन? नहीं पता नहीं है, लेकिन वोट आपने पीटीआई को देना है। पीटीआई को, पीटीआई को दे रहे इस बार आप? नवाज शरीफ को। पक्के वोट हैं आपके? यहाँ पे कौन है एमएनए एमपी कौन है आपका? ये वो है केड़ा बड़ा थे आपने? आपको पता नहीं है, आपने वोट किसको देना जी? मेरा वोट ही वोट ही नहीं अभी तक बना आपका, क्यों, क्या वजह है? अच्छा, अच्छा वोट नहीं बनाया आपका, किसी ने आपको कहा किसी? अच्छा, शराती कार्ड नहीं बन रहा इनका, हो नहीं रहा, ये प्रॉब्लम है आपको? न्यू होगा तो वोट डाल, फिर वोट डाल। वोट किसको दे रहे हैं इस बार आप? वोट नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को पक्के वोट रहे हैं आपके? यहाँ पे कौन एमएनए एमपी कौन है आपका? यहाँ नहीं पता पे जी। आपको पता नहीं है, लेकिन वोट ढूंढ लिखा। वोट किसको दे रहे हैं इस बार यहाँ पे आप? अभी सोचा नहीं है। सोचा नहीं है आपने? कौन एमएनए एमपी कौन है यहाँ पे बेहतर आपके हल्के में, जो आप समझते बेहतर है? मलक नवाज। मलक नवाज बेहतर उम्मीदवार है, आप समझते हैं कि वो आसानी से जीत सकते हैं इंशाल्लाह? मलिक नवाज को आपका वोट जाएगा। दे आप पीटीआई? पीटीआई को देंगे। और पक्के वोट रहे हैं आप इंशाल्लाह? यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है आपका? यहाँ पे अली सरफराज और का नाम एमपीए का है, अली सरफराज हैं। ख्याल कास्ट्रो? ख्याल कास्ट्रो। अच्छा, बेतराना विभाग तो 117 में है ना, ये 118 में वो हैं आपके ख्याल में? आप समझते हैं कि वो पैनल जीत जाएगा इंशाल्लाह? आप पीटीआई को वोट? टीएलपी को देंगे? पक्के वोट हैं आपके इंशाल्लाह? टीएलपी के कौन एमएनए एमपी यहाँ पे? नहीं, इधर तो नहीं पता मेरा का उधर। अच्छा, आप टीएलपी को वोट देंगे? किसको देना आप? सर वोट इंशाल्लाह पीटीआई का। पीटीआई का? अच्छा जी जी सर। यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है आपका? नहीं सर, इधर एमपी एमएनए अभी कोई भी नहीं खड़ा हुआ। अच्छा। हाँ, और जो है ना उधर रजाबाद वाली साइड पे हम देंगे वोट इंशाल्लाह पीटीआई को। पीटीआई को देंगे जो भी आएगा पीटीआई सारे को। यकीन माने खंबा भी हुआ ना तो उसको देंगे, उसको देंगे पीटीआई को। हाँ इंशाल्लाह, ये अब रजीम चेंज जो है ना ये आवाम करेगी। आवाम करेगी। वोट किसको दे रहे हैं इस बार यहाँ पे आप? वोट मैं तो रहने वाला हूँ बटाला कॉलोनी का। अच्छा, स्टैना रोड पे है। वोट किसको देंगे आप? वोट अब देखें, सारे पीटीआई वाले कभी कोई कभी कोई दे रहा, कोई निशान कोई कोई है, इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे। पीटीआई को देंगे। कौन आपके ख्याल में एमएनए एमपी कौन आपके नजर में बेहतर है? पे तो है एक लतीफ नजर है, और फैजुल्ला का मौका तो वैसे ही छोड़ गए हैं। आप लतीफ नजर को वोट देंगे इंशाल्लाह? पक्के वोट है आप पीटीआई का? नून लीग को। नून लीग को पक्का वोट है आपका? यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है आपका? अकरम अंसारी। अकरम अंसारी बेहतर उम्मीदवार है। और एमपी कौन है? ख्वाजा रिजवान। बेहतर है दोनों, आपके ख्याल में जीत सकते हैं यहाँ से? जीतने वाले हैं तो इसलिए दे रहे हैं, वोट जाया नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपके ख्याल में वो जीतने वाले हैं? जीतने वाले हैं। आपको इस हद तक यकीन है इस बात का? लग तो यही रहा है। अच्छा, लग यही रहा है आपको, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वोट किसको दे रहे हैं जी इस बार आप? नून लीग को। नून लीग को देंगे आप? पक्के वोटर हैं नून लीग के? पक्के वोटर है, और जब से नवाज शरीफ खड़ा हो रहा है उसी दिन से उसे ही वोट दिया, उसे ही वोट दिया है। यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है आपका? अकरम अंसारी। अकरम अंसारी हैं आपके ख्याल में, वो बेहतर उम्मीदवार हैं आपको? नून लीग को वोट जाएगा आपका? वोट तहरीके लबैक दो। लबैक को देंगे? तहरीके लबैक। यहाँ पे अच्छा वोट है टीएलपी का माशाल्लाह,
वोट तो वाकई सच्चे सुन्नी मुसलमान हैं इधर रहते, वोट तहरीक लब्बैक का, तहरीक लब्बैक को जाएगा आपका वोट? इस्लामी को वोट किसको दे रहे इस बार? पीटीआई को। पीटीआई को देंगे यहाँ पे? कौन एम एन एम पी कौन है आपका यहाँ पे? राणा अब्दुर्रज़ाक और अली सरफराज। अली सरफराज दोनों अच्छे उम्मीदवार हैं आपके ख्याल में? बेहतर है यहाँ पे? बेहतर है। आप समझते हैं कि यहाँ से वो आसानी से जीत सकते हैं? इंशाल्लाह। आपके ख्याल में जी? इस्लामी जी वोट किसको दे रही आप? वोट इंशाल्लाह पीटीआई को। पीटीआई को देंगे? हाँ जी जरूर। यहाँ पे कौन एम एन एम पी कौन है आपका? मियां अली सरफराज साहब हैं एम एन ए पे और राणा अब्दुर्रज़ाक साहब हमारे हल्के में एम पी ए पे हैं, तो इंशाल्लाह ताला दोनों बेहतर उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार हैं और उनकी सपोर्ट भी कर रहे हैं और आपके ख्याल में जीत सकते हैं यहाँ से? हमारे मुस्तकबिल के लिए, ये फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए ये जरूरी है कि हम इनको वोट दें। इनकी क्यादत आ गया है, इमरान खान आ गया है। इमरान खान क्या कहते हैं? वोट किसको दे रहे हैं इस बार? वोट दे रही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तहरीक लब्बैक को दे रहे हैं यहाँ पे? कौन है एम एन एम पी उनका? ये लगे हुए हैं, इनके बैनर वगैरह लगे हुए हैं। अच्छा, हमने तो सरकार के नाम पे देना है वोट। सरकार के नाम पे वोट देना है, तहरीक लब्बैक को जाएगा आपका वोट? वोट किसको देंगे जी आप? वोट रादा तो पी टी आई का ही है इंशाल्लाह। वोट पी टी आई को जाएगा? हाँ जी। कौन एम एन एम पी कौन है आपका यहाँ पे? इधर साढ़े है अली सरफराज ने एम एन ए। अच्छा, बेहतर उम्मीदवार है। हाँ जी। और एम पी कौन है आपका? एम पी ए कन्फर्म नहीं है ये मैंने यार। ठीक है, लेकिन वोट आपका पीटीए को जाएगा? आप भी वोट पीटीए को देंगे? हैं, पक्के वोट हैं आप भी? लब्बैक को वोट देना है? अभी आप इमरान खान का नाम ले रहे थे, दोनों को ही देते? दोनों को देना है, लब्बैक को भी और इमरान खान को? ठीक है भाई साहब, वोट किसको दे रहे हैं इस बार आप? पीटीए को देंगे? पक्के वोट रहे आप उनके? यहाँ पे एम एन एम पी कौन है आपका? पता नहीं, जब हम आएगा तो पता लगेगा। कोई आपको पता नहीं है, लेकिन वोट आपने पीटीआई को देना है? पीटीआई को देना है। आपने वोट किसको देना है? पीटीआई को। आप भी पीटीआई को देंगे? आपको पता है एमएनएम पी कौन है आपका? आपको भी पता नहीं है? इमरान खान को। इमरान खान को पक्के वोट रहे हैं आप? जी बिल्कुल। यहाँ पे एमएनएम पी कौन है आपका? एमएनए है ये अली सरफराज। अली सरफराज। और एमपी है वो अब्दुल रजाक खान। अब्दुल रजाक खान बेहतर उम्मीदवार है आपके ख्याल में? आपके ख्याल में बेहतर है? बिल्कुल है, अली सरफराज तो बेहतरीन है। बेहतरीन है। और एम पी ए साहब बेहतरीन क्यों नहीं है? एम पी ए तो फर्स्ट टाइम आए, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। वो भी हो जाएंगे आपके ख्याल में? अस्सलामुअलैकुम जी। आपने वोट किसको देना जी? मैंने आज तक दिया ही नहीं वोट। आज तक नहीं दिया? 34 साल हो गए। क्या वजह क्या है? मेरी ड्यूटी होती थी प्रेजाइडिंग अफसर। अच्छा, एज ए प्रेजाइडिंग अफसर आपकी ड्यूटी होती है? मैं रिटायर। अच्छा, रिटायर है आर्मी से। लेकिन वोट आप किसको देंगे? इमरान। इस बार इमरान खान को देंगे? पक्के वोट रहे आप? आपके एम एन एम पी कौन है यहाँ पे? यही है, अली सरफराज है। अच्छा, अली सरफराज, ये दोनों बेहतर उम्मीदवार हैं? बेहतर हैं आपके ख्याल में? इंशाल्लाह। इमरान ने अगर दिए कहा नाम दिए हैं तो बेहतर हैं, बेहतर हैं आपके ख्याल में? क्यों, कोई फायदा ही नहीं है। वजह? बिल चीजा कितनिया, हर चीज तो महंगाई है, साडे वोटां दा की फायदा सानू? कोई महफूज नहीं सानू है। अच्छा, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵੋਟ ਜਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬਣਨਾ, ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਡਾਲਣਾ ਇਸ ਵਾਰ? ਆਪ ਵੋਟ ਡਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ ਭਈਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ ਦੇਂਗੇ ਜੀ ਸਰ। ਕੌਣ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਕਾ ਯਹਾਂ ਪੇ? ਮੀਆਂ ਅਲੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਰ। ਮੀਆਂ ਅਲੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਐਮਪੀ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਐਮਪੀ ਰਾਣਾ ਅਬਦੁਰਰਜ਼ਾਕ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਆਪਕੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਰ। ਹੈ आप समझते हैं ये लोग जीत जाएंगे यहाँ से? इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह अल्लाह के ख्याल। सलामकुम जी, वोट किसको देने इस बार आपने? इंशाल्लाह तरीके लब्बैक को। तरीके लब्बैक को देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे कौन है एमएनएमपी आपका? एक सुल्तान भट्ट। अच्छा, वो तरीके लब्बैक से हैं? नहीं नहीं। हाँ, वो इधर है, क्या नाम है इसका, नून लीग से, शेर से। आपने वोट नून लीग को देना है या तरीके लब्बैक को? तरीके लब्बैक को। आपको अपने उम्मीदवारों का नहीं पता? हाँ जी, उम्मीदवारों का नहीं पता? उम्मीदवार भी जब हो गए। अच्छा, अभी आप भाई जान कैसे? ठीक, शुक्रिया। वोट किसको देंगे इस बार? मैं वोट किसी को भी नहीं दूंगा इस बार। वजह क्या? वजह ये है कि मुझे ना यहाँ की हुकूमत अच्छी है, ना यहाँ की वाम अच्छी है, यहाँ की ना लीडरशिप अच्छी है। मैं यूरोप में रहा हूँ 15 साल। मैंने वहाँ की अगर आवाम जो है ना देखी है ना, जैसी भी है वो टैक्स पूरा देती है, ठीक है। फिर उनकी हुकूमत उनको टैक्स पूरा वापस देती है, ठीक है। उनको मेडिकल सहूलियात, ठीक है। मैं पाकिस्तान इसलिए आया हूँ कि मेरा ना अपना थोड़ा सा मसला बना हुआ ब्रेन का, ठीक है। मैं इधर इलाज कराने आता हूँ, उधर मैं इलाज कराता हूँ, मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिसकी वजह से मुझे यहाँ मुश्किल में रहना पड़ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, यहाँ पर ज़िंदगी ऐसी है कि जैसे जहन्नम में रह रहे हैं। आप मुतमिन नहीं है किसी से? मुतमिन किसी से? मुतमिन किसी से भी मुतमिन नहीं है? आपने आपको पता नहीं है इस बारे में, ठीक है। वोट पीटीआई का, जिंदाबाद। पीटीआई को देंगे? इमरान खान जिंदाबाद। यहाँ पे हक के साथ कहेंगे, डट के साथ कहेंगे, बल्ले के ऊपर बॉल लगाएंगे। अच्छा, बल्ला तो रहा ही नहीं? नहीं, क्यों नहीं रहा, बल्ला हमारा हमेशा रहेगा, बल्ला बल्ला है। और एमएनएमपी कौन है आपका यहाँ पे? हैं एमएनएमपी कौन है? हम तो हमारा वैसे बेसिकली हमारा गाँव है शिबाजपुर, हम शिबाजपुर के रहने वाले हैं। वहाँ पर हमारा कौन सा है, वो जफर इकबाल नागरा था,
अच्छा जफर इकबाल नागरा तो नून लीग से है। वो छोड़ गया ना, अब वो पहले था, उन्होंने छोड़ दिया, अब जो साहब एक हम देंगे बल्ले को ही वोट। अच्छा, आप वोट पीटीआई को देना आपको पता नहीं कैंडिडेट्स का? वोट किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, नहीं तांगे सबसे, आप सबसे तांगे, किसी को नहीं देना चाहेंगे इस बार? नहीं किसी को। वजह क्या है? बस सिचुएशन इस तरह की आपके सामने ही है, सूरत हाल कारोबार के हालात से तंग है। कारोबार के हालात से तंग है आप? भाई से 2340 रुपए लेने मैंने कल स्टॉक दिया था, कहते यार आप आना नहीं, आज पैसे नहीं हुए, एक रुपया नहीं दुकान के सेल को। कारोबार के हालात से तंग है आप? शेर नु पांच, शेर को देंगे? बिल्कुल पक्के वोट हैं पक्के। जो एम एन ए है वो ख्वाजा ख्वाजा रिजवान जो है, वो इधर एम पी ए है, और जो एम एन ए है वो ख्वाजा अकरम अंसारी और ख्वाजा रिजवान, आपकी नज़र में बेहतर है दोनों? जी बिल्कुल। किसको देना है आपने? शेर को देंगे हम, शेर जिंदाबाद। शेर को देंगे आप वोट? किसको देना है इस बार आपने? खान साहब हैं, खान पीटीआई, पीटीआई को देंगे? पक्के वोट है आपके? हाँ जी पक्के, सब 17 के 17 वोट हमारे खानदान के पीटीआई के, सब पीटीआई को जाएंगे। आपके एमएन एमपी कौन है यहाँ पे? अली सरफराज। अली सरफराज और एमपी कौन है? एमपी राणा रजाक है, मेरा ख्याल कन्फर्म नहीं पता। अली सरफराज और राणा रजाक का पैनल आपके ख्याल में बेहतर है? अली सरफराज ठीक है, बेहतर है आपके ख्याल में? जीत जाएंगे आपने। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने वोट किसको देना है? शेर जी। शेर को देंगे आप इंशाल्लाह। यहाँ पे एमएन एमपी कौन है आपका? आज अकरम सारी तो ख्वाजा रिजवान, बेहतर उम्मीदवार है आपके ख्याल में दोनों? इंशाल्लाह बेहतर है आपके ख्याल में। किसको देना है आपने? हम नून लीग के हैं जी। नून लीग को देंगे? शुरू लाद नून लीग के हैं। पक्के वोटर हैं आप? पक्के वोटर, पक्के वोटर हैं। सारा हमारा गांव सारा नून लीग का है। अच्छा, हमारी 32 जो है, साढ़े 32 पिंड है जो गांव, वो सारे नून लीग के। कौन सा इलाका, कौन सा आपका? जंग, जंग, जंग से है आप? जंग से। किसको देना आपने इस बार? अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई, पीटीआई को देंगे जी। पक्के वोटर हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे कौन एमएन एमपी कौन है आपका? हमारा हमारा वो है क्या नाम, क्या उसका सोचा नहीं आपने? नहीं 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 है, पीटीआई का वो चेंज हुआ है ना। आपको नाम याद नहीं है? लेकिन आपने नाम याद नहीं है, लेकिन है पीटीआई का। किसी को भी नहीं? किसी को भी नहीं, क्यों तंग है सबसे? जी सबसे ही तंग। वजह क्या है? कौन सा तब्दीली आ रही है मुल्क में? सबसे नाला है आप जी, सबसे नाला है आप भाई। वोट तो नून लीग को ही देंगे आप? नून लीग को देंगे? पक्के वोट है आपके? पक्के वोट है इंशाल्लाह। नून लीग की तरफ जाएंगे आप? नून लीग की तरफ। ठीक है, वोट नवाज शरीफ को? नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ को देंगे? पक्के वोट है आप इंशाल्लाह। यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है आपका? है जी, एमएनए और एमपी कौन है आपका यहाँ पे? हाँ जी, वो पहले तो शिजाद था, वो पीटीआर वाला था। अच्छा अच्छा, आपको पता नहीं है, लेकिन आपने वोट नून लीग को देना है? नून लीग है आपने इस बार? वोट तो इस बार शेर को ही देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पक्के वोट है आपके? पक्के 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 इंशाल्लाह, पक्के वोट है आपके। यहाँ पे कौन एमएनए एमपी कौन है आपका? ये मुझे नहीं पता, मैं तो इस बाजार में पहली मरतबा। अच्छा, लेकिन वोट नून लीग को इंशाल्लाह? शेर को? शेर को देंगे? शेर को। पक्के वोट है आपके? कौन एमएनए एमपी कौन है आपका? आप हमारा वो अंसारी है, अकरम अंसारी, और क्या कहते हैं उसके साथ कौन सा? अच्छा, ख्वाजा रिजवान। अच्छा ठीक है, आप नून लीग को वोट देना है? शेर है? शेर, शेर को? पक्का वोट है आपका? पक्का वोट है आपका शेर? थैंक यू। हम हर बार शेर को ही देते हैं वोट, हमारा हमेशा नवाज शरीफ की तरफ है। नवाज शरीफ की तरफ है हमेशा, उनकी तरफ ही है। उनसे ज्यादा अच्छा लीडर कोई भी नहीं है। यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है आपका? यहाँ पे एमएनए एमपी हमारा पहले ये था अकरम अंसारी, साइड पे था वो, इस बार उनको टिकट नहीं मिली है। अकरम अंसारी को टिकट नहीं मिली? वो उसको अपना मलिक नवाज को, उनके भाई को मिली है। अकरम अंसारी को तो मिली है इस बार उनके साथ। आप नून लीग को वोट देंगे? आप वोट किसको दे रहे इस बार? आप वोट तो इंशाल्लाह जी इमरान खान को। इमरान खान को जाएगा वोट आपका? कौन एमएनए एमपी कौन है यहाँ पे आपका? जाहिद सरफराज। अच्छा, अली सरफराज। अली सरफराज उनका बेटा। हाँ जी, बेहतर उम्मीदवार है इंशाल्लाह। और एमपी कौन है यहाँ पे? एमपी तो बाहर देखे, कौन है एमपी जी? राणा अब्दुल रज़ाक। अच्छा, राणा अब्दुल रज़ाक। आपके ख्याल में ये दोनों बेहतर उम्मीदवार हैं? यार ये बेहतर तो बेहतर है, पीछे इमरान खान तो बेहतर है कि नहीं है? इमरान खान जो किसी बंद चुनता ना, की पता किस दिल च की है? तुम सू मेन चीज आजादी चाहिए है, तुम पेटी लेंदे हो अंबा की, पिछले किन्ने खराब निकलते हैं, ये कितना कसूर है? वोट आपका पीटीआई को जाएगा? वेट है पीटीआई। आपने किसको देना जी? हाँ जी, वोट किसको देना आपने? वोट देखो के दे दे, अभी सोचा नहीं आपने? ठीक है, चाहते आजाद रहना चाहते सन, ना इंसाफ है ना, सानू कोई मेडिसिन ना, सारा भुख नंग बनी पई है, इस वास्ते आजादी चाहते हैं सर। आजादी चाहते हैं जी आपने इस बार? आपकी नजर में बेहतर कौन है?
बेहतर भाजी सारे ही बेहतर आ। अच्छा अभी आपने सोचा किस देने इस पर आपने? इमरान खान को पक्का वोट है आपका? इंशाल्लाह पक्का। यहाँ पे एमएन एमपी कौन है आपका? हमारे हल्के में उधर मेरा ख्याल है वो लतीफ नजर। अच्छा उस हल्के से आप वोट पीटीआई को देंगे? आपने वोट किसको देना है? हमने पीटीआई को। पीटीआई को देना है? पक्का वोट है आपका? इमरान खान को देंगे? हाँ जी। पक्का वोट है आपका? इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इमरान खान को। आपने वोट किसको देना जी? अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई को। पीटीआई को देंगे? पक्का वोट है आपका? बिल्कुल पक्का। आपने वोट देंगे अपना शेर को दे देंगे? शेर को देंगे आप? आपने पक्का वोट सोचा हुआ उनको? सही कहा। यहाँ पे एमएनए एमपी कौन है आपका? एमएनए एमपी हैगा वो ख्वाजा इमरान होएगा या चनावला होएगा? अच्छा अभी आपने सोचा नहीं है आपने? थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वोट किसको देना है आपने? शेर को। शेर को देंगे? पक्का वोट है आपका? पक्का। कौन एमएनए एमपी कौन है आपका? अकरम अंसारी से ख्वाजा रिजवान। बेहतर उम्मीदवार हैं आपके ख्याल में? हैं बेहतर आपके ख्याल में? बेहतर। वोट किसको दे रहे हैं इस बार यहाँ पे? किसी को भी? किसी को भी नहीं? क्यों क्या वजह है? वैसे ही कारोबारी हालात से तंग हैं आप? हाँ जी। हैं कौन कोई उम्मीदवार आपकी नज़र में बेहतर नहीं है यहाँ पे? इंशाल्लाह तहरीके लबैक। तहरीके लबैक को? टीएलपी। टीएलपी को इंशाल्लाह। पक्के वोटर हैं आप? इंशाल्लाह पक्के वोटर हैं आप। तहरीके लबैक। आपने वोट किसको देना जी? तहरीके लबैक। आप भी लबैक? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। एमएनएमपी कौन है आपका यहाँ पे? वो भाई को पता है उनका क्या नाम है? ग्लैमर सूल एमए। अच्छा हाँ जी उनके वो इश्तेहार लगे हुए हैं। ठीक है आप टीएलपी के पक्के वोटर हैं? इंशाल्लाह पीटीए। पीटीए को देंगे? पक्के वोटर हैं आप? कौन एमएनए एमपी कौन है आपका यहाँ पे? हमारी है वो खुरम शहजाद और राब्तो राणा रज़ाक। अच्छा खुरम शहजाद पीटीए में? हाँ जी खुरम शहजाद भी पीटीए। अच्छा 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 आप मियां अली सरफराज। आप इसका मतलब डबल माइंडेड हैं। कौन उम्मीदवार कौन है आपको पता नहीं है? नहीं, लेकिन वोट आपने पीटीआई को देना है? दरअसल देना सिर्फ बल्ले को ही और पीटीआई को। पीटीआई को ही देना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वोट किसको देंगे जिस बार आप? ये इंशाल्लाह जी पीटीआई को देंगे। ठीक है। दूसरा ये है कि पीटीआई इसलिए अच्छी है, देखिये हमें उन्होंने शोर दिया है, देखिये ईरान ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई फौरन मिली है आज। तो इमरान खान भी ऐसी है किसी से डरता नहीं था वो ना, यानी कि अलर्ट रहता था या किसी से कोई मसला नहीं है उसको, अपने जोश में रहता, जो उसने अपने खुद फैसला करना है, खुद मुख्तारी पे करना है और अपने मुल्क की उसने पावर बनाई थी, यही शऊर की वजह से हम पीटीआई की तरफ हैं। तो अगर वो भी होता तो उम्मीदवार कौन है यहाँ पे बेहतर उनका? यहाँ पे मियां अली सरफराज एमएनए और राणा अब्दुल रजाक एमपीए के दोनों बेहतर उम्मीदवार हैं। बेहतरीन है और इंशाल्लाह पीटीआई लोगों ने बहुत ज्यादा ये तमन्ना रखी हुई है जीतना, इंशाल्लाह पीटीआई नहीं है, पीटीआई ने आपके ख्याल में। हम भी शेर की तरफ से लेकिन हालात देखे इनको, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट है ये सारे कानून खत्म कर चुके हैं। आप पीटीआई को वोट? पीटीआई को। पीटीआई को देंगे? पक्के वोट रहे आप? यहाँ पे कौन एमएनए एमपी कौन है आपका यहाँ? हाँ जी इस वक्त कोई भी नहीं है। जिसके पास पीटीआई का टिकट होगा उसी को देंगे या कोई नुमाइंदा आपके नजर में है एमएनए और एमपी की सीट पे बेहतर? इस वक्त तो मुझे पता नहीं है कौन, पता नहीं आप। लेकिन आज की अवामी राय में भी आपने देखा कि यहाँ पर भी राय जो है वो तकसीम है, यहाँ पर भी इस वक्त मुकाबला जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नून लीग और उसके साथ साथ यहाँ पे टीएलपी और जमात इस्लामी का वोटर भी बतदरीज बेहतर तादाद में पाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस हल्के का भी यही है कि यहाँ के जो वोटर्स हैं इनके पास कोई भी उम्मीदवार नहीं पहुँचा और बहुत सारे वोटर्स को तो अपने एमएनएस और एमपीएस के नामों तक का पता नहीं है। इसी से आप उन सब की कंपेन का अंदाज़ा भी कर सकते हैं। बहरहाल इस हल्के का रिजल्ट क्या होगा ये तो आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।